लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इधर आइए, आगे बढ़ते रहिए, चलिए चलिए चलिए। हेलो हेलो, सभी लोग आ चुके हैं सर, गिनती पूरी है। जान मोहम्मद, इस गांव का मुखिया, क्या काम है मुखिया का? जी, गांव और गांव वालों को संभालना। चाहे वो चोर चक्के, देशद्रोही या गद्दार क्यों ना हो। क्या फरमा रहे हैं आप साहब? जान मोहम्मद, दुश्मनों को पना देने वाला भी वतन का दुश्मन होता है, और ऐसे लोगों को गोली मार देने का हक मुझे दिया गया है, समझ गए? जी साहब। तुम फिर कोई जानवर भटकते हुए रण पर नहीं गया ना, नमक चरने? जानवर तो भटकते रहते हैं साहब, मुंह उठाकर कहीं भी चल देते हैं। ख्याल रखना, ऐसा ना हो जानवर भटकते भटकते सरहद पार कर जाएं और तुम्हें उनकी तलाश में जाना पड़े। जानवर इतने ना समझ भी नहीं है साहब कि मुल्क छोड़ के चले जाएं। तुम ठीक कहते हो, जानवरों पर भरोसा किया जा सकता है, इंसानों पर नहीं। तुम कौन हो? पहले कभी नहीं देखा। ये इसी गांव का है साहब, नाम हैदर है, सामने चौबार पर ही रहता है। गूंगा है क्या? जी नहीं सर। तो फिर बोलता क्यों नहीं? तो मेरे सवालों का जवाब क्यों दे रहा? फकीर किस्म का आदमी है सर, ज्यादा किसी से बोलता चलता नहीं है, ना ही कहीं आता जाता है, यहीं कोने में पड़ा रहता है बस। क्या खिचड़ी पकाते रहते हो कोने में अकेले पड़े पड़े? ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं। कीप एन आई ऑन हिम, इस पर नजर रखना। सर। बहुत नेकी का काम करते हो जी। मझधार में फंसे रेफ्यूजियों की नाव पार लगाते हो। क्या बात कर रहे हो साहब जी, मैं आपको मल्लाह दिखता हूं, वैसे भी पानी से मुझे बहुत डर लगता है। साहब आप गरीबों पे हाथ उठा रहे हो, साहब हम बेकसूर लोग हैं। चिंता मत करो, मैं बाद में हाथ गंगा जल से धो लूंगा। ले चलो इसे अंदर पूछताछ के लिए। चल चल। भाई चलो आगे तक, आगे तक दीवार के सहारे खड़ा कर दो। यहां से आओ, यहां से। खेलेगा नहीं साला, सीधा खड़ा हो, हाथ ऊपर कर, ऊपर कर, तू भी सीधा खड़ा हो, ऊपर कर। चलिए सलमान, रशीद, अब्दुल रहमान, फाहिम, फिरोज, मंजूर अहमद, अता मोहम्मद, मुश्ताक, आरिफ, रफीक, इकबाल। गिनती हो गई है सर, सब बराबर है। गुड, अब आप अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए। राइट सर। नाम? खुदा बख्श।
क्या कहा? खुदा बख्श जी। शायद तुम्हें यह मालूम नहीं है कि हम असल खुदा बख्श को जानते हैं। कहाँ रहते हो तुम और असल खुदा बख्श कहाँ है? साहब मैंने कहा ना, मैं ही असली खुदा बख्श हूँ। तुम तो बांग्लादेशी हो ना, फिर ये पाकिस्तानी होने का ढोंग क्यों करते हो? चोरों की तरह रन पर से भाग कर आए हो, ना कागज है ना पत्थर। यहां आते ही मकान ले लिया, घर भी बसा लिया। कहां से आया इतना पैसा? हिंदुस्तान से ना, मैं जानता हूं। तुम जरूर हिंदुस्तानी दहशतगरों की मदद करते होगे। सब सच बता दो, वरना सच उगलवाने के सारे तरीके मुझे आते हैं, समझे? हाँ, ये हकीकत है कि हम बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि वहां इज्जत की जिंदगी जीना मुश्किल हो गया था। वो हमें हकारत की नजर से देखते हैं, वो समझते हैं कि कत्तर की लड़ाई में हमने पाकिस्तानी फौजों का साथ दिया था, और तुम पाकिस्तानी हमें गैर समझकर दुत्कारते हो, सिर्फ इसलिए कि मुल्क के तकसीम के वक्त हम मशरकी पाकिस्तान में चले गए थे। अरे वो भी पाकिस्तान था, रहा हिंदुस्तान, वो तो तकसीम के वक्त ही छोड़ चुके थे। आज हम बेवतन हैं, कोई हमें बांग्लादेशी समझता है, कोई पाकिस्तानी तो कोई हिंदुस्तानी, इंसान कोई नहीं समझता। मैं पूछता हूं, रिफ्यूजी होना गुनाह है क्या? रिफ्यूजी अपनी औलाद और अपने लिए बेहतर जिंदगी का ख्वाब नहीं देख सकता? अरे रिफ्यूजी आदम हुआ की औलाद नहीं, वो खुदा का बंदा नहीं है क्या? भाषण अच्छा दे लेते हो, दो चार दिन हिरासत में रहोगे तो सारे भाषण भूल जाओगे। ले जाओ सही। कौसिफ मियां, जाने दीजिए इन्हें। क्यों? इसलिए कि ये खूबसूरत लड़की का बाप है और वो लड़की आपकी मंजूरे नजर है। तौसीफ, ये वही तौसीफ है जो एक दिन एक बेसहारा लड़की को पनाह देना चाहता था और आप दीवार बन के खड़े हो गए थे, और खुद आज क्या कर रहे हो? इसकी खूबसूरत लड़की को दुल्हन बनाने की ललक में जुर्म की ओर से आंखें बंद कर रहे हो? अपनी जबान को लगाम दो तौसीफ अहमद। अपने साथी अफसर पर हाथ उठाने से पहले दो बार सोच लीजिए। आप कोर्ट मार्शल को दावत दे रहे हैं, वो भी उस लड़की के लिए जो ना तो आपसे मोहब्बत करती है और ना ही आपसे शादी करेगी, जो पहले ही अपना तन मन किसी और को दे चुकी है। क्यों बकवास कर रहे हो तुम? यदि मैं बक रहा हूं तो पूछ लो इन्हीं से। ये झूठ बोल रहा है अशरफ मियां। आपने हमें इज्जत बख्शी, नाज़नीन ने आपको पसंद किया। नाज़नीन मेरे साथ आओ, इन्हें बताओ कि जो कह रहा है झूठ है, गलत है। बोलो, बोलती क्यों नहीं? बताओ इन्हें कि जो कह रहा है गलत कह रहा है। अरे बोलो, बोलती क्यों नहीं? बोल। अबू, आपने खुद मुझसे कहा था कि आप मेरी शादी रेफ्यूजी से करवाएंगे, फिर क्या हो रहा है ये सब? क्यों हो रहा है ये सब? नाजो, तू झूठ बोल रही है, खुदा गवाह है तूने ही अशरफ को पसंद किया था। अब तुझे क्या हो गया? अम्मी मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कसम पाक कुरान की, मैंने सिर्फ रेफ्यूजी को चाहा है, और अगर शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से। नाजो! नाज़नीन, नाज़नीन,
रुक जाइए, रुक जाइए। आप फट जाइए। क्या कर रहे हैं आप? होश में आइए। मैं नाज़नीन को दुल्हन बने देखना चाहता हूं। लाश नहीं, छुपी ऐसे। देखो ना इसे क्या हो गया। इस पेड़ को देखो, इसी ने हमारे प्यार को पना दी थी। अब ये गिर चुका है। जब ये गिरा तो मुझे महसूस हुआ कि कुदरत का इशारा है कि मेरा प्यार कभी वापस नहीं लौटेगा, मेरी जिंदगी में कभी बाहर नहीं आएगी, मेरा प्यार कभी परवान नहीं चलेगा। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है कि इसी दरख्त में फिर से बाहर आएगी। आएगी ना, कहो ना। हाँ। तुम पर जो बीती है मैंने वो सब सुन लिया। अता चाचा ने मुझे सब कुछ बता दिया। चलो मुझे यहां से ले चलो, मैं एक पल भी यहां नहीं रह सकती। मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूं। तुम एक पल भी मेरी नजरों से दूर मत जाना। मुझे अपने साथ हिंदुस्तान ले चलो। मगर तुम्हारी अम्मी और अब्बू, मैं उनके लिए मर चुकी हूं और वो मेरे लिए। खबरदार जो ऐसा कहा। तुम नहीं जानती बिन माँ बाप की औलाद कितनी तनाव होती है। एक रिफ्यूजी की जिंदगी जी सकोगे? मैं हमेशा से तुम्हारे सुख दुख की हिस्सेदारी चाहती रही हूँ, यहाँ तक कि रिफ्यूजी की जिंदगी के भी।